दूसरी शक्ति इन्हें रक्षित कर रही है। अवश्य माता का ही है ये कमरा, अर्थात सुरक्षित हूँ मैं। मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं वचनबद्ध हूँ। निरंतर प्रहार करना पड़ा तो करूंगा, किंतु दंडित अवश्य करूंगा इस दुष्ट को। दंड का प्रयोग किया है मैंने बालक, जिसके सामने तेरी हर शक्ति फीकी पड़ जाएगी। व्यर्थ तोड़ा तुमने अपना दंत, क्योंकि जो शक्ति मेरी रक्षा कर रही है उसे पराजित करने की क्षमता तुम्हें नहीं। किसका कंगन है ये, और कौन सी दिव्य शक्ति इस दुष्ट की रक्षा कर रही है? गजानन अपनी विफलता का कारण नहीं समझ पा रहा है, किंतु पार्वती ऐसा क्यों कर रही है? आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। मेरे सुहाग की रक्षा के लिए आप इतना बड़ा त्याग करने पर विवश हैं, किंतु ऐसा कर आज आपने दर्शा दिया कि आपके लिए भक्त की भक्ति ही सर्वोपरि है। मैं कोटि कोटि नमन कर आपका धन्यवाद करती हूँ माँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। भक्त भगवान से बड़ा होता है। स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त? उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। पार्वती, ये क्या, भक्त भगवान से बड़ा होता है सत्य है, किंतु क्या भगवान द्वारा एक अधर्मी असुर की रक्षा करना क्या ये उचित है? कुछ भी कर ले मूर्ख बालक, तुम मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाओगे। कैसे भेदूं इस दिव्य सुरक्षा कवच को? पिताश्री, कोई त्रुटि है क्या मेरे प्रयत्न में, जिसके कारण बार बार असफल हो रहा हूँ? नहीं गजानन, इसका कारण कुछ और है। मैं समझा नहीं पिताश्री, आप किस कारण की बात कर रहे हैं? अनेकों पाप किए उन्होंने, किंतु वो मेरे स्वामी है माँ, मेरे स्वामी है। उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। आपकी भक्त होकर आपको इस प्रकार विवश करने के लिए मुझे क्षमा कीजिए माँ, मुझे क्षमा कीजिए। पतिव्रता होना तो स्त्री का गुण होता है, दोष नहीं सुवेनी। धन्य है तुम्हारे पतिव्रता का भाव, जिसके कारण तुमने अपने पति की सुरक्षा को ही सर्वोपरि रखा। उसका ही वरदान मांगा मुझसे। तुम्हारे इस भाव को तो मैं भी भली भांति समझती हूँ पुत्री। उमा, पुत्र प्रेम से विचलित होकर माता कहीं इस दंत को रोकना ना भूल जाए। विकट परिस्थिति को सुलझाएंगे, किंतु यदि वो भी माता को समझाने में असफल हुए तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उमा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे भली भांति ज्ञात है कि मैं क्या कर रही हूँ, किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ है माँ को, वो इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रही है? उमा, तुम्हें ज्ञात है कि तुम किसकी रक्षा कर रही हो? भक्त की भक्ति का सम्मान और उसके सुहाग की रक्षा कर रही हूँ। किंतु ये दुष्ट तो तुम्हारा भक्त नहीं है उमा।
सत्य है स्वामी, ये मेरा भक्त नहीं है, तो क्या इसीलिए मैं इसकी पत्नी, अपनी भक्त सुवेनी को दिया अपना वचन असत्य हो जाने की? विवाह के उपरांत यदि मेरे सुहाग पर कोई भी संकट छाए तो आप उनकी रक्षा करें। तथास्तु। तो क्या भक्त को वरदान देने से पूर्व मुझे ये भी ज्ञात करना होगा स्वामी कि उसके पति पत्नी और संबंधी मेरे भक्त हैं कि नहीं? उमा, दीपक की ज्योति का धर्म है उजियारे का साथ देना, अंधियारे को मिटाना। इसी प्रकार हमारा धर्म है बुराई के अंधकार को इस जगत से दूर करना, अच्छाई का साथ देकर संसार में अच्छाई के प्रकाश को बढ़ावा देना। हमारा पुत्र भी वही कर रहा है और तुम उसके इस कार्य में बाधा डाल रही हो। भक्त की भक्ति सर्वोपरि, बुराई और अच्छाई के भेद से परे है। यदि भक्त बुराई में लिप्त तो उसे अपनी संतान के समान सुपथ पिलाना हमारा कर्तव्य है। क्यों स्वामी, क्या हमारे भक्त को सुधरने का एक अवसर भी प्राप्त नहीं होना चाहिए? अनेकों पाप करने के पश्चात भी अपने किए पर कोई गलानी नहीं सधर्मी पापी को। इसे अभी नहीं रोका गया तो ये अपने उपद्रव से संपूर्ण जगत को संकट में डाल देगा, इसलिए इसको अवसर देना अधर्म है। उमा, संसार की रक्षा के हमारे कर्तव्य के विरुद्ध है। हृदय पर आघात लेकर अपने कर्तव्य पर सदैव अडिग रही हूँ मैं, इसीलिए कर्तव्य बोध करवाकर और अकारण अधर्म का दोष लगाकर आप मेरा अपमान मत कीजिए स्वामी। सर्वथा अनुचित है। पार्वती तो कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इस दुष्ट पापी की रक्षा कर रही हूँ मैं, क्योंकि भक्त तो भगवान से बड़ा होता है, उचित है ना स्वामी? पुनः पूछती हूँ मैं, उत्तर दीजिए मुझे। भगवान बड़ा होता है या भक्त? पूर्व में जब मैंने पूछा था तो स्मरण है ना प्रभु, आपने क्या उत्तर दिया था? स्वामी, मैं ये ज्ञात करना चाहती हूँ कि भगवान के लिए कौन बड़ा है, उनका परिवार या उनका भक्त? उमा, भक्त का स्थान सदैव भगवान से ऊंचा होता है। जगत जननी और जगत पिता के अनर्थकारी क्रोध के जागृत होने के पूर्व ही शांत करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक माता पार्वती मेरी रक्षा कर रही हैं, महादेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं अपने पुत्र के साथ सत्य और धर्म का साथ देने के लिए खड़ा हूं और आप हमारा, अपने परिवार का विरोध कर रही हैं। क्या ये बात आपको विचलित नहीं करती? विचलित तो मुझे ये कर रहा है स्वामी कि आप सदैव कहते रहते हैं कि परिवार और भक्त में कोई भेद नहीं, जगत पिता और जगत माता हैं हम, सभी हमारी संतानें हैं जिनका कल्याण दायित्व है हमारा। पुत्र कार्तिकेय को मुझसे दूर करते समय यही समझाया था ना आपने, किंतु आज क्या आज अपने परिवार के नाम पर अपने भक्त के प्रति दायित्व को भूल जाऊं मैं? परिवार नहीं पार्वती, धर्म की रक्षा करने का हमारा कर्तव्य ही सर्वोपरि है हमारे लिए, इसलिए इस असुर का बचाव कर अधर्म का साथ दे रही हो तुम, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। अनुचित है, अधर्म है, तो क्या अनेकों बार जो आपने असुरों को वरदान दिया वो भी अधर्म ही था? और तब किया था उन असुरों ने, तब विवश होकर ही मैंने
उनको वरदान दिए थे। तो फिर जो मैं कर रही हूँ वो भी अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी? मेरी भक्त है सुवेनी, घोर तप किया है उसने, इसीलिए मैं भी विवश हूँ। ओह, तो इसलिए माँ इस असुर की रक्षा कर रही है। उमा, भिन्न परिस्थितियों की तुलना कर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। मेरा कहा मान लो, लौटा लो अपना कंगन। ये आपका निवेदन है या आदेश है प्रभु? और ये भी बताने की कृपा करें कि इस समय आप मुझसे मेरे पति के रूप में बात कर रहे हैं या जगत पिता महादेव के रूप में? ये माता अपने क्रोध में क्या करे, अब महादेव क्या करे? महेश्वरी, अपना कंगन लौटा लीजिए। मैं अपने पति के ही आदेश का पालन करूंगी। आप सभी अन्य के लिए देवाधिदेव होंगे, किंतु उस रूप में आपका मेरे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। आपकी आज्ञा नहीं सुनूंगी मैं, आपकी आज्ञा नहीं सुनूंगी, आपकी आज्ञा नहीं सुनूंगी। माँ, माँ। पिताश्री की सभी बातें अस्वीकार कर रही है। अपनी भक्त सुवेनी को वरदान दिया था, अपने अंबे रूप में ही मैं अपने वचन की रक्षा भी करूंगी। मैं आपको चेतावनी देती हूँ, मुझे चुनौती देने का दुस्साहस मत कीजिएगा। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? उत्तम, अति उत्तम। इनके आपस का मनमुटाव मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये कैसी विडंबना है ब्रह्मदेव? एक और महादेव और बालक गजानन, तो दूसरी ओर देवी पार्वती अपने दुर्गा रूप में। स्थिति अनियंत्रित हो रही है। जगत पिता और जगत जननी का मतभेद है ये, और इन दोनों के टकराव के मध्य में है गजानन। स्थिति अनियंत्रित हो नहीं रही है श्री हरि, अनियंत्रित हो चुकी है। हमें शीघ्र वहां जाकर स्थिति को संभालने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि इन दोनों का टकराव और बढ़ा तो विध्वंस होगा, उससे हम सभी नष्ट हो जाएंगे। कंगन लौटा लिया तो गजानन का दंत उस सुरक्षा कवच को भेद कर मूषिका सुर का वध कर देगा,
और ये मैं कदापि होने नहीं दूंगी। इन्होंने तो और भी विराट रूप धारण कर लिया है और स्थिति भी अनियंत्रित होती प्रतीत हो रही है। ये कैसा हट है महेश्वरी? गजानन हमारा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है, और आज तुम उसके विरुद्ध जाकर एक असुर की रक्षा कर रही हो। क्या धर्म, दायित्व, कर्तव्य बस आपके ही अधिकार क्षेत्र में है? आज मैं अपने भक्त के साथ खड़ी हो गई तो वो आपके लिए हट हो गया? क्या आप भूल गए वो क्षण जब आपने हमारे पुत्र गजानन का शीश उसके धड़ से विलग कर दिया था? तब मैं भी कह सकती थी कि आप इतना हट क्यों करते हैं महादेव? तुम्हें ज्ञात है ना देवी कि मूषिकासुर की दुष्टता का अंत करने के लिए जो उचित है उसी का साथ देने के लिए ही गजानन क्रियाशील है। देवी पार्वती शांत हो जाइए, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। आपको क्या था कि गजासुर एक भयानक पापी असुर है, अनेकों पाप किए थे उसने, किंतु उसने तप कर आपका आवाहन किया। आपको अपने उदर में समाने के लिए कहा। कहो, क्या वरदान चाहिए? आप चाहिए भोलेनाथ मेरे उदर में सदा के लिए। तो आपने उसको क्या उत्तर दिया स्वामी? करो अपने आवेश को, तुम्हारा पुत्र भी यहां है। क्या तुम चाहती हो कि वो ये देखे कि उसकी माँ उसके सन्मार्ग को चुनने के कारण इतनी आवेशित हो रही है? मैंने अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वो उचित और अनुचित, धर्म अधर्म का भेद भली भांति समझ सके। वह
वचन का महत्व समझने में सक्षम बनाया है उसे मैंने। मैं पुनः कह रहा हूं देवी, जो तुम कर रही हो वो अनुचित है, विवश कर रही हो तुम मुझे। तुम्हारे विरुद्ध अपने पुत्र की सहायता करने के लिए जो आपको उचित लगे वो आप कीजिए महादेव। किंतु इतना जान लीजिए, मूषिका सुर की ओर बढ़ने का जो भी प्रयत्न करेगा तो उसे सर्वप्रथम मुझसे टकराना पड़ेगा। माता ने कालिका और महादेव ने वीरभद्र का रूप धारण कर लिया। विकराल रूप में है, उनके मध्य संघर्ष हुआ तो सृष्टि छिन्न भिन्न हो जाएगी, कोई शेष नहीं रहेगा। मत कीजिए, मत भूलिए, परिवार की कलह सदैव विनाशकारी होती है। आपको स्मरण है ना पिताश्री, मैंने आपके साथ युद्ध किया था तो उसका क्या परिणाम हुआ था? एक समस्या है हमारे समक्ष जिसका समाधान मिलकर बातचीत कर ढूंढना चाहिए हमें। आपसी टकराव का तो एक ही परिणाम है, परिवार का विनाश। आप दोनों का ही युद्ध मेरे कारण हो रहा है ना, तो माँ पिताश्री लीजिए, मैं अपना दंत लौटा लेता हूँ। अब आप भी अपना कंगन लौटा लीजिए। नहीं माते नहीं, मैं पुनः असुरक्षित हो जाऊंगा माते नहीं।
इसके पूर्व की ये संपूर्ण परिवार एक साथ हो जाए, मुझे भाग लेना चाहिए। ये सब हो रहा है उसकी वास्तविकता भूल रहे हैं आप। मोशिकासुर पूर्व में क्रोंच नामक गंधर्व था। विलंब होने के कारण क्रोंच तीव्र गति से अपने निवास की ओर जा रहा था। बहुत विलंब हो गया मुझे, इंद्रदेव की सभा से शीघ्र निकलना था मुझे। शीघ्रता में क्रोंच ऋषि वामदेव से टकरा गया, जिससे ऋषिवर की वर्षों की तपस्या ऋषिवर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोंच को असुर बनने का शाप दे दिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम असुर बन जाओगे। ऋषि नहीं, डाल से पैर टकरा गया और मैं आप पर गिर पड़ा। आपकी तपस्या भंग करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी ऋषिवर। क्षमा ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। शांत होने पर ऋषिवर ने शाप को कम करते हुए कहा कि क्रोंच को उसके असुर रूप में भी एक अवसर मिलेगा। वो माता पार्वती का भक्त होगा और यदि उसने अपनी भक्ति से माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया तो वो ऋषिवर के शाप से मुक्त हो जाएगा। ऋषिवर, ऋषिवर। असुर रूप में आने पर क्रोंच देवी पार्वती का परम भक्त बनकर सदा उनकी भक्ति में लीन रहने लगा। जिससे माता पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। माता ने क्रोंच को बल, पराक्रम, सत्ता और बुद्धि का वरदान दिया। समय क्रोंच की दृष्टि माता के हाथ में स्थित अमृत की कटोरी पर पड़ी, जिसे देखकर वो लालच में आकर माता से अमृत की मांग कर बैठा। किंतु माता ने उससे कहा कि अमृत मात्र योग्यता के आधार पर ही प्राप्त होता है और अभी क्रोंच अमृत पाने के योग्य नहीं बना था। में आकर क्रोंच ने मूषक रूप धारण कर माता के हाथ की कटोरी का अमृत चोरी से चख लिया। माता ने क्रोधवश उस असुर को ऋषि वामदेव के शाप से मुक्त करने के स्थान पर और बड़ा शाप दे दिया। मेरे मना करने पर भी तुमने मूषक रूप धरकर अमृत को चुराया, इसीलिए मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ। आज से तुम मूषिकासुर बनकर
चोरी से ही अपना उदर भरोगे। माते क्षमा, माते क्षमा, माते माते क्षमा, क्षमा कर दे माते, क्षमा कर, क्षमा माते क्षमा। तुम मेरे बड़े भक्त और तुमने अमृत का भी पान किया, इसीलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। समय आने पर मेरे पुत्र गजानन के हाथों तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा उद्धार हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। नाश का कारण बनता है, सृष्टि की रक्षा के लिए आपका शांत होना आवश्यक है। समस्या का हल क्रोध करने से नहीं, विचार करने से होगा, और इस समस्या का हल केवल गजानन के पास है। नमस्तस्यै नमो।